आपको यह जानकर हैरानी होगी, मगर चीन भारत की सीमा पर कुछ ऐसा कर रहा है जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। क्या वो सीधे हमला कर रहे हैं? नहीं, तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं? देखिए ये वीडियो और जानिए चीन की चालबाजी और भारत का उसका मुकाबला। दोस्तों, चीन पिछले कुछ समय से भारत चीन सीमा पर सियाओकांग विलेजेस नाम के गांव बसा रहा है। ये गांव दिखने में तो साधारण से लगते हैं, लेकिन असल में ये चीन की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। कैसे? इन गांवों में चीन आधुनिक सुविधाएं दे रहा है, जैसे अच्छी सड़कें, अस्पताल और स्कूल। इसका मकसद क्या है? ये गांव सीमा पर चीन की पकड़ मजबूत करते हैं। ज्यादा आबादी मतलब ज्यादा सैनिक, लेकिन भारत चुपचाप नहीं बैठा है। भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सीमावर्ती गांवों में विकास पर जोर दे रहा है, सड़कें, स्कूल, अस्पताल। भारत भी अपने गांवों को आधुनिक बना रहा है ताकि लोग वहां रहना पसंद करें और पलायन रुके। तो क्या यह कार्यक्रम सिर्फ विकास के लिए है? नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है। मजबूत सीमावर्ती गांव मतलब मजबूत भारत। भारत सरकार की यह पहल कितनी कामयाब होगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन यह तो तय है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर कदम उठा रहा है। आपको क्या लगता है? क्या VVP भारत की सीमाओं की रक्षा करने में कामयाब होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। कुछ लोगों को यह सवाल हो सकता है कि क्या सीमा पर गांव बसाना सही है। देखिए, ये गांव तो पहले से ही वहां मौजूद हैं। VVP का मकसद इन गांवों को बेहतर बनाना है और लोगों को पलायन से रोकना है। अगर सीमावर्ती इलाके खाली पड़ जाएं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। VVP इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सशक्त बना रहा है ताकि वो सीमा की रक्षा में भी योगदान दे सकें। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा फायदा सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को हो रहा है। पहले इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, अब सड़कें बनने से आने जाने में आसानी हो गई है। स्कूलों और अस्पतालों से शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। यह विकास न सिर्फ सीमा की रक्षा करता है, बल्कि सीमावर्ती समुदायों के जीवन स्तर को भी ऊपर उठाता है। भारत चीन सीमा पर चीन की चालबाजी का जवाब भारत का ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा साथ साथ चलते हैं। मजबूत गांव, मजबूत सीमा और मजबूत भारत। हमने अभी तक VVP के फायदों के बारे में जाना, लेकिन क्या कोई कमियां भी हैं? कुछ लोगों का मानना है कि VVP सिर्फ सैन्य रणनीति का हिस्सा है और इससे सीमावर्ती समुदायों के पारंपरिक जीवन शैली पर असर पड़ सकता है। विकास के नाम पर प्रकृति का नुकसान भी एक चिंता का विषय है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास टिकाऊ हो और स्थानीय लोगों की संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करे। इस जटिल मुद्दे को और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए कुछ विशेषज्ञों की राय सुनते हैं। जैसा कि आपने सुना, VVP एक बहुआयामी कार्यक्रम है। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। हमें इस पर सार्वजनिक चर्चा करनी चाहिए ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि सीमावर्ती विकास सही दिशा में हो रहा है। इस वीडियो में हमने भारत के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में जाना। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। भारत चीन सीमा पर रणनीतिक चे मैन्यूवर्स चल रहे हैं और VVP इस जटिल परिदृश्य का एक अहम हिस्सा है। यह कार्यक्रम सफल होगा या नहीं, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। VVP अभी सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में सीमावर्ती क्षेत्रों में और भी विकास परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं। इससे न सिर्फ सीमा की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि सीमावर्ती समुदायों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपको क्या लगता है, VVP भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा और भविष्य में भारत चीन सीमा पर क्या हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।